फ्रेंड्स, योर वेलकम टू एडु सर्च अगेन। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया है। इसके आपके मेंस के GS2 में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये जब आया था 2019 में, लोकसभा में लाया गया था, तब भी काफ़ी डिस्कशन में रहा था। और अब इसको क्यों वापस लिया जा रहा है, ये सब इसमें आपको बताया गया है, तो इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो बैकग्राउंड पहले आपको बता रखा है, तो आपने ज़रूर सुना होगा इनके बारे में, KS पुट्टास्वामी के बारे में। तो जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 2017 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि द राइट टू प्राइवेसी इज़ एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो आपका राइट टू प्राइवेसी है वो एक इंट्रेंसिंग पार्ट है, उसी का एक अंतर्निहित पार्ट है। किसका? राइट टू लाइफ का और राइट टू पर्सनल फ्रीडम का। यानी कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दोनों का ये एक अभिन्न हिस्सा है, इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ये KS पुट्टास्वामी केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। उसके बाद आपको इसमें बता रखा है कि इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट एंड द बाउंडिंग कंसर्न्स अराउंड हाउ लार्ज टेक प्लेटफॉर्म्स वर हैंडलिंग द पर्सनल डेटा ऑफ इट्स इंडियन यूजर्स, द सेंटर इन 2017 सेटअप एन एक्सपर्ट कमिटी। एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई थी जिसको चेयर किया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने, और उन्होंने इसके लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक अपना पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया था। आगे 2018 में श्रीकृष्णा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखी, तो वो जो ड्राफ्ट बनाया था उन्होंने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन वाला, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास गया। वहाँ पर उस पर विचार किया गया कि अब भाई आगे क्या किया जाना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2021 में सौंपी, और इसने भी जो आपकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, इसने भी बताया कि जो ये आपका बिल लाया गया है इसमें बहुत सारी कमियां हैं और इन कमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम देखते हैं क्या बता रखा है। गवर्नमेंट नाउ स्टेटेड दैट, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो ये आपका बिल है इसकी जगह पर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड लॉज लाया जाएगा। यानी कि जो दुनिया में कानून है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित, उन सबको स्टडी किया जाएगा, उनको ध्यान में रखते हुए, जो भी अभी चैलेंजेस हैं, फ्यूचर चैलेंजेस होंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जो कि इसको रिप्लेस करेगा। आगे देखते हैं क्या है। अब आगे आपको बता रखा है कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी इसको वापस लेने की, ऐसी क्या कमियां थी इसमें या ऐसे क्या चैलेंजेस थे जिनको ध्यान में रखते हुए इसको वापस लिया गया। तो पहला आपको बता रखा है रेडिकल ओवरहॉल सजेस्टेड बाय JPC। यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसने इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स और रिकमेंडेशंस दी कि भाई इनमें बहुत कमियां हैं, इनको दूर किए जाने की ज़रूरत है। तो देखा जा रहा था कि लगभग 1/4 से ज़्यादा उसने बता दिया था कि इसमें ये कमियां हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। तो इतने ज़्यादा जब संशोधन किए जाने हैं तो इससे तो अच्छा है कि इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह पर पुनर्विचार करके फिर से एक कोई नया बिल लाया जाए और उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद सेकेंड था हाई कॉम्प्लायंस कॉस्ट। अब कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसको डेटा लोकलाइजेशन के लिए काम करना है, डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हमारी पर्टिकुलर कंट्री में जो डेटा आ रहा है उसको कहीं पर कंट्री के अंदर ही स्टोर करना, बाहर उसको ना भेजना। यानी कि हमारे यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर की कंपनीज को ना देना, जिससे कि वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकें या फ़ायदा ले सकें। तो वो डेटा लोकलाइजेशन होता है, तो डेटा लोकलाइजेशन पर इस पर जोर दिया गया था। बट ये जो ये काम है डेटा लोकलाइजेशन का, ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रा की ज़रूरत होती है, खर्चे की ज़रूरत होती है। तो इससे हमारे जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं या जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनके लिए किए जाना ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो दूसरा ये है कि इसका हाई कॉम्प्लायंस कॉस्ट है। थर्ड बता रखा है बैलेंसिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। एक तरफ डेटा प्रोटेक्शन की बात आती है, एक तरफ आपकी प्राइवेसी की बात आती है, तो इनके बीच में भी बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, इसमें ये चीज़ भी आपको समझा रखी है। एंड आफ्टर दैट कंसर्न्स रेज्ड बाय अपोजिशन ने भी इसके कंसर्न्स दिखाए थे कि मतलब इसमें बहुत ओपेसिटी है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है। सो इट वॉज एलिज दैट द लॉ
गेव स्वीपिंग पावर्स टू द गवर्नमेंट टू एक्सेस पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि बिना उनकी परमिशन के ही अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो डेटा को प्रोसेस कर सकती है और उसको अपने तरीके से यूज कर सकती है। आपने सुना होगा कि उस टाइम पे चर्चा में भी था कि सरकार इस डेटा को बेचेगी, ये काफ़ी अपोजिशन ने उठाया था और इसके अलावा ये मीडिया में न्यूज़पेपर्स में डेली आता था। तो एक ये भी आर्गूमेंट है, एंड आफ्टर दैट नॉट अलाइंड विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। सो दिस हैज़ ब्रॉट टू द फोर, यानी कि कहने का मतलब है नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, यानी कि जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो इनसे ये क्या है कि सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके बाद आपके कंसर्न्स रेज्ड बाय सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस, तो कुछ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी चिंताएँ जाहिर की हैं। इसमें वो क्या है कि सजेस्ट द बिल अलाउड फॉर नॉन कंसेंशुअल प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा, जो कि अभी हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारा राज्य है वो किसी भी डेटा को, पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकता है, और प्रोसेस कैसे कर सकता है कि वो उसे परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये इसमें कमी, और ये भी बताया गया कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने उसको प्रोसेस किया बट वो गलत तरीके से अगर यूज़ हुआ है तो उसके लिए कौन सा ऐसा नोडल अधिकारी है या कौन सा ऐसा ऑफिसर है या कौन सा ऐसा ऑफिस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि भाई इसका मिसयूज हुआ है। तो ऐसा भी इसमें कोई क्लियर प्रोविज़न नहीं है, तो एक ये भी कमी बताई जा रही है। तो अब इसमें क्या किया जाना चाहिए वो आपको वे फॉरवर्ड में अच्छी तरीके से समझा रखा है। सो न्यू डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन सो टेक इनटू कंसीडरेशन द क्रिटिसिज्म, यानी कि जो भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, चाहे वो आपके सिविल सोसाइटी वाले बता रहे हैं या फिर अपोजिशन कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो उन सबको गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के हिसाब से अगला जो भी बिल है वो लेके आना चाहिए। इसके अलावा जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आपका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन का, या फिर आपका सिंगापुर का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इस तरीके की दुनिया में जितने भी कानून हैं पर्सनल डेटा से संबंधित, तो उनको प्रोसेस, उनको स्टडी करने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद उनमें क्या अच्छी चीज़ें हैं उनको ले लेना चाहिए, जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ नीड टू इंगेज इन ग्रेटर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, यानी कि इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो आपके बिजनेस पर्सन हैं, चाहे वो आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह हैं, या फिर जो भी इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा परामर्श करने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है, और जो उनके कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो ये भी इसमें विचार करने की ज़रूरत है। एंड आफ्टर दैट दैट इज़ लास्ट, न्यू बिल शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू स्मॉल इंडियन स्टार्टअप्स, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने इतना मुश्किल बना दिया कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो भाई उसको झेल पा रही हैं और छोटी कंपनीज हैं वो बिखर जा रही हैं। तो ऐसा भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वो बिखरे ना, उनके कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखा जाए। तो इस तरीके से हमने पूरा ये टॉपिक डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।